मार खे प्रेम दे। श्री राधा रानी त्रिनादपि सुनी चेन शब्द आए ही वहाँ से है, यूँ कह सकते हैं। उनकी लीला को देखते ही ये शब्द, ये भाव प्रकट हुए हैं। यदि मेरे को दुख दे करके कृष्ण को आनंद हो रहा है तो मैं इस दुख में परम सुखी हूँ, क्योंकि कृष्ण को आनंद हो रहा है। यह पराकाष्ठा त्रिनादपि सुनी चेन। अमानी खुदमान की इच्छा नहीं है, लेकिन दूसरी गोपियों को, सखियों को, मंजरियों को, किंकरियों को, दासियों को, सबको मान देती, आहा बहुत सुंदर तुमने किया है, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाती। श्री राधा जी अन्य को मान दे करके खुद अमाने बने रहते। तो ये जो त्रिनादपि सुनी चेन तरो रवि तरोरिपि सहिष्णुना अमानी न मान देन कीर्तनीय सदाहरी, ये सर्वभक्त शिरोमणि श्री राधा रानी जी का स्वभाव है। और ये स्वभाव उनकी अंतरंग जो दासियां हैं, जो नित्य निरंतर उनके संग में रहती हैं, उनके अंदर स्वाभाविक रूप से है। इस श्लोक में जहाँ पे ये वर्णन किया है, उसके साथ साथ ही उसके अगली लाइन में, अगले श्लोक की अगली पंक्ति में ये बात भी क्लियर की है कि श्री राधिका पाल्यदासी त्रिनादपि सुनी चेन श्लोकस्य चैव मूर्तये श्री राधिका पाल्यदासी रूपिणी गुरुवेन। देखिए, आपका फ्रेंडशिप जो आप सेवा उन्हीं से लेना चाहोगे जो आपके स्वभाव के अनुरूप है, जो आपके पास आके इधर उधर उदम करेगा, तो उसको आप अपनी निजी सेवा में नहीं लोगे। जैसे मैं गुरुदेव की सेवा एक बार करने के लिए गया, चरणों को दबाने के लिए, तो मेरा पकड़ने का तरीका यह था कि चलो गुरुजी का जो पेन है वो रिलीफ हो जाएगा। तो आपको मालूम मेरा पकड़ने का तरीका क्या, मैंने उससे 90% कम जोर लगाया। नॉर्मल जैसे मैं पकड़ता हूँ किसी की नस को, उससे 90% कम जोर लगाया, मतलब केवल 10% जोर लगाया हुआ है, हल्का सा। मैं कहा महाराज जी थोड़ा दर्द होगा, छोड़ दो। उसका कारण कोमलति कोमल जो स्वभाव में रहने वाले, और हम लोग रहे बलदेव जी के पक्ष वाले। तो राधा रानी ऐसी ही कोमलांगी, ऐसी ही दैन्यता से परिपूर्ण गुणों वाली को ही तो अपने पास रखेंगे। गुरु जी के चरणों की सेवा जो करने वाले थे जहाँ, वो लोग गुरु जी के स्वभाव के अनुरूप दैन्यता प्रधान रहे। जैसे सुधीर प्रभु जी को गुरु जी ने दिया नहीं सेवा, तो बाद में दे दी। पहले मना कर दिया, बाद में क्यों, देखा इतना कोमल स्वभाव है, कोई जिद नहीं, कोई अधिकार नहीं दिखा रहा, महाराज जी ले लो, मैं कर लो, महाराज जी ले भाई कर ले। ऐसे ही बड़े वाले लुम्बा जी थे, वो ही बड़े प्यार से, वो ना वो बात करते हुए कुछ बात दूसरी करते हुए समझाते। तो जो कोमल स्वभाव के हैं, या जो गुरु जी के सामने कोमल भाव से रहते हैं, कठोरता शासन नहीं दिखलाते, नहीं करते, दूसरे पे शासन नहीं करते, उनसे गुरु जी का एक अलग संबंध रहा है। क्यों रहा, क्योंकि वो खुद हैं त्रिनादपि सुनी चेन की मूर्ति,
मूर्ति का मतलब क्या होता है? मतलब क्या हुआ त्रिनादपि सुनिश्चयेन का मूर्ति? हाँ मतलब उसका कोई तो उदाहरण हो, समझने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। जैसे खांड की मूर्ति होती है ना, चीनी की मूर्ति नहीं होती, हाथी बने होते, घोड़े बने होते, देखें कब देखे दीपावली के समय, दीपावली के टाइम पे। जैसे खांड की मूर्ति होती है ना, किसी भी तरफ से आप उसको काटोगे मिठा ही होगा, होता है ना। ऐसे त्रिनादपि सुनिश्चयेन का विग्रह स्वरूप, मतलब किसी भी तरफ से गुरुजी के आप विचारों को डाइल्यूट या डाइवर्ट नहीं कर सकते, किसी भी सिचुएशन में नहीं कर सकते। तो फिर तो हमने तो गुरुजी को कई बार बड़े गुस्से में देखा, ऐसे लगता था कि अभी शायद नरसिंह रूप धारण कर लेंगे, ऐसा भी देखा। आंखें बड़ी बड़ी हो गई, आंखें जो है ना ये ऐसे करके बड़ी बड़ी हो जानी, आंखें बाहर को आ जानी इतनी बड़ी। यहाँ तो हल्का था, वो बहुत हल्का था। क्या था यहाँ शब्द, क्या थे? जीरो हो जाएगा। ना ना, वो किस किस शब्द पे था, किस बात पे था? वो जो मटको अपना समझ नहीं, यहाँ पे था जो लोग मतलब निंदा कर रहे हैं, जो निंदा करते हैं, जो मतलब किसी का भी दोष देख कर, हाँ नहीं, मेरे को जहाँ तक याद है आई थिंक वो रिकॉर्डेड भी होगा, तो मैं थोड़ा माइक बंद करना चाहूँगा, नहीं तो बड़ी ज़ोर से आवाज़ होगी। गुरी कहते हैं जो यहाँ आके करते तो समझता हमारा है, हम मालिक हो गया, जीरो 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 हो जाएगा, इतना जोर से जीरो जीरो। ऐसे ही वैष्णव निंदा करने वालों के लिए गुरुजी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे, अरे ये तो त्रिनादपि सुनिश्चयेन वाले पक्ष के हैं, ये ऐसे कैसे चिल्ला रहे हैं। और देहरादून में कहीं पे गुरुजी जिनके घर रुके थे पहले, वहां पे कोई एक माताजी दूसरी उनकी बहन बहन आई, वो मायावाद के बारे में बोलने लगी। पहले गुरुजी से हरि कथा सुनी, सुनने के बाद में फिर वो बोलने लगी। हाँ जो है, लेकिन फाइनल अल्टीमेट तो सब शून्य है, मतलब कुछ तो नहीं रहेगा, सब निराकार है, सब जीरो। तब गुरुजी वहां भी कहते, गुरुजी उस वक्त घटना को सुनाते, बोलते तुम जीरो, तुम जीरो, तुम नहीं है, ए नहीं है, जो है सब सब खत्म, कुछ नहीं, तुम्हारा सिद्धांत भी गलत, तुम भी गलत। तो कहने का मतलब ये जो क्रोध देखा गया ये क्या है, इस क्रोध में आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे त्रिनादपि सुनिश्चयेन के साथ में? भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं कि ये हनुमान जी महाराज वो त्रिनादपि सुनिश्चयेन श्लोक की साक्षात मूर्ति, कैसे जिन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया, रावण का महल जला दिया, राख कर दिया, जो अभिमान रखने ही नहीं देते वो अभिमानी हैं या निराभिमानी हैं, कैसे जस्टिफाई करें? फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जिन्होंने कितने ही कोर्ट केस किए, कितने ही बाबा जी लोगों के ऊपर कोर्ट केस किए, जमीन के कितने ही केस हुए, उनको भी लोग त्रिनादपि सुनिश्चयेन की सब मूर्ति बोलते हैं। ये क्या अतिशयोक्ति है? अतिशयोक्ति मतलब किसी बात का बहुत ज्यादा महिमा बोलना,
वो है, प्रैक्टिकली समझिएगा इसको, आपकी उंगली में अगर बाई दीवे कैंसर का एक पिंपल है, एक छोटी सी रसोली, एक हाँ नष्ट कर रहा है वो, शुरू कर दिया उसने, आप तो अपने शरीर से कितना प्रेम करते हो, आप अगर प्रेम करते हो तो आपका कर्तव्य होगा उस एरिया को काट करके ऑपरेशन कर दो, उससे थोड़ा ज़्यादा को, अगर हुआ इतना इतना काट दो, काट के उसको अलग कर दो, यही आपका एक परम प्रेम होगा शरीर के लिए। और प्रेम में माता के द्वारा किसी को थप्पड़ पड़ना, क्या ये माँ की क्रूरता है या माँ का गुस्सा है, क्या है इसमें? प्रेम की घनीभूत अवस्था है, प्रेम ज्यादा है। गुरुजी बोलते थे कई बार, बच्चा अगर विष का लड्डू खाना चाहता है तो क्या करेगा, वो प्रीति से उसको दे देगा, उसको दूर रखेगा, आवार जबरदस्ती करेगा वहां जाने के लिए, खाने के लिए जोर जबरदस्ती करेगा, हाथ काट देगा उसका, उसको विष का लड्डू खाने के लिए नहीं देगा। तो ये जो हाथ काट देगा विष का लड्डू, ये तो क्रूरता दिखलाई दे रही माँ की। अगर वो लड्डू पकड़ ले माँ और ना छोड़ रहा हो इतना उसमें हो, तो माँ उसका हाथ काट देगी, हाथ पे डंडा मार देगी, तोड़ देगी, लेकिन उसको खाने के लिए, ये माँ का अतिशय प्रेम है। जैसे माँ बोलती है ना, तू गया तो तेरी टंगा तोड़ दवांगे मैं, तन भन के रख दांगे, बोलती ना, क्या वो तेरी टांगे तोड़ के रखना चाहते हैं, तो पंगू बना के रखना चाहते हैं, कैसे भी रहे मेरे सामने रहे, ये अज्ञानता है, लेकिन इसमें प्रेम है। वास्तविकता में प्रेम वो है कि वो देखे कि मैं तो अपना जीवन ऐसे ही गंवा दिया, मेरा बच्चा जो है भजन करके आगे निकल जाए, अच्छी बात, ये वास्तव प्रेम है। तो ऐसा वास्तव प्रेम जब गुरुजी में है, तब गुरुजी क्या करेंगे? त्रिणादपि सुनिचेन होने के बावजूद, शिवजी से वर प्राप्त होने के बावजूद, रावण शिव से तो वर प्राप्त, वही शिव का ही स्वरूप हनुमान जी महाराज, क्या करेंगे? उसके अभिमान को तोड़ेंगे? तोड़ेंगे कि नहीं? तो हनुमान जी के रूप में उन्होंने रावण के अभिमान को तोड़ा। रावण के अभिमान को तोड़ने पर दिया क्या? राम जी दे दिए। अब इससे ज्यादा और दैन्यता क्या होगी? जो अपना प्राणधन देने के लिए आपके ऊपर शासन कर रहा है, जो प्राणधन का सेवा देने के लिए आपको बतला रहे हैं कि निराकार नहीं है भगवान, तुम ब्रह्म हो, सो हम अहम ब्रह्मस्मि, ब्रह्म हो, बोलो ब्रह्म हो, छाती पे हाथ रख के बोलो ब्रह्म हो, ये जो बोल रहे हैं ये भगवत प्रेम को पिलाने के लिए, जिस प्रेम में वो पगे हुए हैं, रसे हुए हैं, उस प्रेम को पिलाने के लिए जबरदस्ती ये जो इंजेक्शन दिखलाई दे रहा है, उसके साथ साथ देखिए गुरु जी की, आपको तो बॉडी लैंग्वेज याद होगी, गुस्सा हो रहे हैं, ब्रह्मो, हम ब्रह्म है, हम कृष्ण दास है। भाई अभी तो आप गुस्सा हो रहे थे, अभी आप कृष्ण दास बोलते एकदम नरम कैसे हो गए? हम कृष्ण दास, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, जीव का स्वरूप कृष्ण का नित्य दास, ये भी अब क्योंकि उसके अंदर ब्रह्म भाव है जीव के अंदर, कृष्णदास वहां पे इंजेक्ट कर रहे हैं।
अब वो कृष्णदास बोल करके जोर लगा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रोध है। चंडीगढ़ मठ में गुरुजी हरि कथा कर रहे, विषय यही। बाहर पहली बार कोई व्यक्ति कथा सुनने के लिए आया, पहले हॉर्न लगते थे बाहर, अब तो बंद हो गए हॉर्न बाहर लगने। बाहर हॉर्न लगते थे, वो जोंगे वो लगते ना ऊपर वाले जो है, और जोंगों में सुन रहा था, और सुनते सुनते कोई अंदर को आया कि भाई लड़ाई हो रही है, क्या हो रहा है। तो आ करके हमारे विष्णु महाराज से, तो ब्रह्मचारी थे चंद्रशेखर, को उनसे बोला, वो बाहर उनके लिए चीफ गेस्टों के लिए खड़े थे कि भी आएंगे चीफ गेस्ट, तो उन्होंने उनको बोला थोड़ा सा आप साइड में हो जाएं, गेस्ट आने वाले। तो बोले, कहते यार संतों को उनको बोलो थोड़ा आराम से, थोड़ा प्रेम से बोल रहे हैं बेचारे, मतलब इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। तो कहते हाँ हाँ मैं बोलता हूँ, आप थोड़ा साइड हो जाओ अभी। अब वो तो देख रहा है, उसको उस पर प्रेम नजर नहीं आ रहा है कि उद्देश्य क्या है, लक्ष्य। तुकबंदियाँ लगाते हैं परंतु ऐसी बात नहीं है। क्यों?
उसका कारण क्योंकि गुरु महाराज जी अपनी सेवा के लिए कभी भी नहीं उन्होंने नाराज हुए। आपको सहनशीलता की एक पराकाष्ठा की बात बतला रहा हूं। सहनशीलता जहां पे जाके लज्जित हो जाए, सहनशीलता भी जहां पे जाके शर्मसार हो जाए, दैन्यता भी जहां पे जाकर के कहे कि नहीं इससे ज्यादा दीनता तो मैं समझ भी नहीं सकता। ये मैं एक प्रैक्टिकल गुरु जी के जीवन का उदाहरण दे रहा हूं। गुरु महाराज जी को सन 2000 में कुछ शारीरिक तकलीफ हुई, जो खाते थे तो लूज मोशन हो जाता या थोड़ा कंस्टिपेशन हो जाता, थोड़ा कब्ज हो जाता। कब्ज हो जाती जब गुरुजी को कच्चे केले की सब्जी देते, लूज मोशन हो जाता जब गुरुजी को कोई दाल इत्यादि चीज देते, तो उस वक्त थोड़ा पेट गुरुजी का ठीक नहीं था। ऐसी गुरुदेव ने लीला प्रकाश, डॉक्टरों के पास सेवक लोग कंसल्ट किया महाराज जी को क्या दिया जाए, तो बोला आप एक काम करो, कद्दू की सब्जी दे, पपीते की सब्जी, वो आप दीदी को अच्छी लगे। और क्या था जो सब्जी था, पपीता की सब्जी और सूजी की रोटी जो है रोटी बना के वो दीजिए, उससे महाराज जी को तकलीफ नहीं होगी आई थिंक। तो सन 2000 में ये घटना घटी और गुरु जी को वो दिया गया। दैन्यता कैसी होती है, दीनता किसे कहते हैं, तृणादपि सुनिचेन किसे कहते हैं, वृक्ष से अधिक सहनशीलता किसे कहते हैं, उसके बाद जिनके द्वारा वृक्ष से अधिक सहनशीलता जिनके द्वारा प्रकट हो रही है उनको गुरुजी पूरा सम्मान दे रहे हैं, उनके अनुसार चल रहे हैं। कल्पना कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते, कोई नहीं सकते। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, चार दिन नहीं, एक महीना नहीं, दो महीना नहीं, तीन महीने नहीं, चार महीने नहीं, एक साल नहीं, दो साल नहीं, तीन साल नहीं, चार साल नहीं, 10 साल तक, लगभग 10 साल तक गुरु जी के भोजन में यही, और बीच में कभी कभी गुरु केला और कद्दू, ये दो चीजें बस, ना नमक ना मिर्च ना मसाला, ना कोई तला हुआ कोई भी पदार्थ, कोई भाजा नहीं, भाजा नहीं, पकौड़े नहीं, कुछ भी नहीं, ये चल रहा है। और गुरु जी उसको खा के प्रसन्न है। हमको दुख हो सकता है कि हाय गुरु जी को दे रहे, वो प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है, वैराग्य की एक परम सीमा होती है, उस सीमा के ऊपर है। उस सीमा से ऊपर है, जिसके कारण से सहनशीलता भी लज्जित होती। एक पेड़ को आप काटिए, वो बेचारा बोल नहीं सकता, जिसके कारण से अगर वो बोल सके और रिएक्शन दे सके ना, वो सिर के ऊपर जैसे काटोगे सिर पे लाठी मारेगा ठा कर, उसके अंदर समर्थ नहीं है बोलने का। इसीलिए ऋषियों ने, इसलिए महापुरुषों ने बात कही कि उससे भी अधिक सहनशीलता होनी चाहिए, क्योंकि तुमके तुम्हारे अंदर प्रतिकार करने की क्षमता है। तुम बोल सकते हो कि मेरे को ये दो, ये ना दो, ऐसा करो, वैसा ना करो। बोलने होने पर भी, क्रिया कर लेने पर भी, खुद कर सकते हो ले लेने पर भी, अगर ना करे कोई तो उसे कहते हैं वृक्ष से अधिक सहनशील। ऐसे नहीं इनके लिए बोल दिया गया,
त्रिनादपि सुनिश्चयन के बारे में तो आप लोगों ने सुना है कि किस प्रकार से अपने बड़े गुरु भाइयों को सम्मान करते थे। छोटों के कोई भी व्यक्ति अनादर करे तो सुन नहीं सकते थे, अब इससे ज्यादा हो। और मैं सहनशीलता पर दोबारा आऊंगा, दैन्यता कैसी दैन्यता। अब कोई आचार्य मतलब ऐसा वैसा नहीं हमारे जैसा नहीं, ऐसा आचार्य जिनको उनके गुरुवर्ग, उनके गुरुवर्ग जिनको प्यार करते हो, सम्मान करते हो, सम्मान ही नहीं उनकी महिमा बोलते हो, ऐसा आचार्य उसका अगर आसन ना लगा हो तो कैसे लगेगा उन्हें। गुस्सा आएगा नहीं आएगा, गुस्सा सहन नहीं होगा। हमारे गुरु भाई लोग दौड़ते थे आसन लेकर के कि गुरुजी कहीं नीचे ना बैठे, और नीचे बैठ के गुरुजी जो प्रसन्न होते थे ना, रज मिल गया, धाम का रज मिल गया। एक बार गुरु जी के श्री चरणों में कोसी की जो परिक्रमा है, जहाँ पे ना उस स्थान थाली वाला थाली भोजन थाली स्थान, उस रास्ते पे जा रहे तो गुरु जी के चरणों में कांटे लग गए, जो बोले गोखरू कांटे होते ना, पूरा पैर बन गया। पूरी गोस्वामी महाराज जी आ गए उनके भी, तो हमारे जो कुलदीप प्रभु जी वगैरह ये वैष्णव लोग सब लोग थे, इन्होंने फटाफट आगे देखा, सफाई करें। अब सफाई करें कैसे, उनके खुद के पैरों में लग रहा है ऐसे ऐसे हो रहे हैं। तो कैसे भी जल किया और धूल उड़े, गुरु जी के चरणों में मतलब बहुत तकलीफ हुई। और गुरु जी जैसे ही वहाँ पहुँचे, वे कहते देखो कृष्ण बड़ो दयावान, क्या हम लोग को तो नीचे बैठने नहीं देता, तो भगवान कहता कि ऐसे ब्रज के बिना कैसे कैसे भगवान का करुणा होगा, कृपा होगा, ब्रज रज तो भक्ति दात्री है, तो भगवान कृपा करके इंजेक्शन दे के अंदर घुसा दिया। ब्रज रज को अंदर घुसा दिया। तो इसलिए आसन देने पर, वृंदावन में ब्रजरज में आसन देने पे गुरु जी कभी संतुष्ट नहीं होते। और मैंने ऐसे ऐसे, मैं किसी का नाम नहीं लेता, किसी का अनादर नहीं करता, पूर्ण श्रद्धा है उनके ऊपर मेरी। ऐसा नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ कि उनको हे दिखा ला रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। कई ऐसा उनको भी देखा, हे आसन लगा कहाँ घूमता रहता है भैया, ऐसा भी देखा। और कहाँ गुरु जी का आसन अगर एक सेकंड लेट, मतलब मैंने यहाँ देखा एक बार, मास्टर जी इतनी दूर होंगे जैसे आप हो, मैं तो गुरु ने देखा आ रहा है करके बैठ गए। तो कहते महाराज जी ले लो, महाराज जी ले लो। गुरु जी को गुरु जी नहीं बोल पाते थे पहले, कितने समय तक, कब तक गुरु जी नहीं बोल पाए हम लोग, आई थिंक मोर देन 2003 तक तो मेरे को जहाँ तक याद है कि कोई गुरुजी को गुरुजी नहीं बोल सकता है। 79 से लेकर के अगर 99 भी लगाएं 20 साल और आगे बढ़ जाएं अगर 4 साल तो 24 साल, तो गुरु महाराज ले महाराज गुरु जी बोल बेटा। वृंदावन में आकर के यही ब्रजे धूला धूला नए गोपी पद रेनु, यही धूला में खेलो नंदर बेटा कान, ये इसको धूल मत समझो, ये ब्रजरज है, इसको अपने शरीर पे नंद के नंदनन नंद नंदन ने अपने शरीर में लोटपोट किया। और ये लोग प्रभु जी ये और प्रेम कपड़े वाले ये लोग मतलब धूल में लोटपोट हो रहे हैं कि हाँ मतलब वहाँ नहीं गुरु जी के सामने नहीं, ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं, मतलब अलग से कि कोई ना देखे और धूल में लोग को क्या गुरु जी के शब्दों में सामर्थ्य, कैसे उनकी धन्यता। हम तो बहुत छोटे थे तब,
ऐसे उनकी धन्यता कि वो रज प्राप्ति के लिए। अच्छा अब गुरु जी रज प्राप्ति की इच्छा कर रहे तो हम आसन दे ही ना, तो बुद्धिमान लोग है ना, ऐसे तो होगा क्यों, तेरी बुद्धि तो यही कह रही, लेकिन आसन हमें देना चाहिए। हाँ गुरु जी अपने थोड़ा सा इनको बोलो शांत है, तो थोड़े समय के लिए तो अच्छा लगता है तो कहने का मतलब कि गुरुजी तेनादपि सुनी चेंते जो भाव में भावित रहते उसमें दैन्यता कैसी है, मालाएं सिर्फ दो हैं, दो मालाएं जहां गए हैं गले की मालाएं दो हैं, और वहां पे गुरु जी के दो गुरु वर्ग बैठे हुए हैं, कौन बैठे दो गुरु वर्ग ना, एक गुरु पर एक बड़े गुरु भाई गुरु महाराज जी और शायद कृष्ण केशव पर, जहाँ तक मुझे याद है दो, एक ज्येष्ठ गुरु भाई बैठे हुए हैं और एक गुरुवर वो माला डालने के लिए हमको दो। अब ये तो डायरेक्ट गुरु जी बड़ा आंखें करके बोलेंगे हमको दो तो देना ही पड़ेगा, लिया पहले उनको लिया दे दिया माला। अभी गुरु जी लेकर के अपने बड़े गुरु भाई को तिलक लगा करके माला डाले, तो गिरि महाराज जी ने उनका हाथ पकड़ा, मैट हम तुम आपको माला देंगे, बोला आप आचार्य हैं आप माला पहनिए, गुरु कहते नहीं आप बड़े हैं आपको, गुरु जी ने माला पहनी नहीं, उन्होंने माला पहन मतलब पहनाने नहीं दी, मतलब इसमें कम से कम एक मिनट का टाइम चला, एक से डेढ़ दो मिनट का टाइम चला, और आखिर में गुरु जी का नाम कुछ तो गुरु जी ने कान में बोला उनके, फिर उन्होंने माला पहनी। मुझे लगता है, मैं कल्पना करूंगा, मुझे लगता है गुरु जी ने बोला वो अगर हम इनको शिक्षा नहीं देंगे ये लोग ऐसे ही करेंगे माला पहन लेंगे, इसलिए आप बड़े हैं माला पहन लो आगे से लोग लेके आएंगे, समझे नहीं बात को, अभी निकालना मत, चले जाओ बोल दो बता दो। इस प्रकार से गुरु जी की लीला है कि जो हमें कई बातें याद आती हैं और विषय से निकल जाते हैं आगे और ऐसे लगता वो छूट गए, जैसे मैं बता रहा था सहनशीलता दैन्यता तो आपने देखी अपने बड़े गुरु भाई इत्यादि। अच्छा गुरु जी ने कभी किसी को, मैंने नहीं देखा गुरु जी किसी को शासन किया थप्पड़ मारा, और गुरु जी के जीवन में शायद गुरु जी ने किसी को थप्पड़ नहीं मारा, घर में तो गुरु जी के बारे में सुना कि गुरु जी की लड़ाई कभी किसी भी व्यक्ति से नहीं हुई, किसी भी बच्चे से लड़ाई नहीं, वो एक खेल खेल में वो अलग एक होता ना, जैसे खेल करके मैं जीत गया मैं हार गया वो बात अलग थी, लेकिन लड़ाई बोल करके लड़ाई नहीं, ना स्कूल में ना कॉलेज में ना, यहाँ तक कि गुरुजी जैसे अपनी बात को प्रतिष्ठित करने के लिए तर्क वितर्क होता ना, उसमें भी गुरुजी अगर सुसिद्धांत है और सामने कोई गुरु भाई है मायावादी नहीं है उस सुसिद्धांत को बोल देंगे, उसके बाद वो अगर ना माने तो गुरु जी बोले हम जो गुरु से सुना जो हम शास्त्र में पढ़ा हम बोल रहे, अब तुम मानो नहीं मानो जो तुम्हारा तो मतलब झगड़ा नहीं क्या फायदा,
सहनशीलता के बारे में बतला रहा था, इतने साल मतलब लगभग 10 साल तक लगातार एक ही भोजन कौन कर सकता है, और उससे गुरु जी का स्वास्थ्य ठीक चल रहा, मतलब पेट भी ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बट जो एक एनर्जी ब्रेन को मिलनी चाहिए, जो एक एनर्जी शरीर को एक्टिवनेस के लिए मिलनी चाहिए, वो कम होते जा रही है, वो स्लो मोशन में वो कम हो रही है। ये चीज़ समझ में नहीं आ रही किसी को। 2010 में जब सेवकों की सेवा बदली तो उस समय उन्होंने पूछा कि भाई डाइट क्या है, ये डाइट है, कब से है, कब से है, उन्होंने ऐसा क्यों है, तो पूछा गया कि फलाना डॉक्टर ने बोला था। तो हमारे गुरु जी के बहुत ही अंतिम समय में बहुत ही प्रिय हुए डॉक्टर अमिताभ मुखर्जी के पास में जब ये बात गई, ये डाइट है, वो तो गुस्सा हो गया, कहते हैं आप आदमी हो, कहते अरे उस वक्त पेट खराब था, आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना खिला देते, उसके बाद आप डाइट को थोड़ा थोड़ा चेंज करते, आपने क्या किया, वो तो पागल हो गए गुरु जी की महिमा को सुनकर, मतलब ऐसा भी कोई महापुरुष हो सकता है, चरणों में आगे गिर गए, आप ऐसा कैसे कर सकते, आप बोले क्यों नहीं, हम तो ठीक है उससे अच्छा काम हो रहा था, उसको अच्छा लगता थोड़ा सा खाया चुटी वैसे गुरु जी अल्पहारी थे, मितभाषी, थोड़ा बोलना अल्पाहारी, थोड़ा बोलना थोड़ा खाना, और एकदम गुरु जी की निद्रा ऐसी थी, स्वान निद्रा बक ध्यानम, कुत्ते की तरह जो नींद होती ना, कुछ हुआ नींद खुल जाना, बक ध्यानम, ध्यान में बैठे हैं तो कुछ भी हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता, बक ध्यानम मालूम है, बगुला जो है ना वो एक टांग के ऊपर खड़ा होकर के पानी में खड़ा रहता है एक टांग पे, तो मछलियां उसके अगल बगल में घूमती रहती, छोटी छोटी आती हैं पहले उसके पैर के पास में, फिर बड़ी बड़ी जैसे ही थोड़ी सी बड़ी आती है पक करके पकड़ता उसको, फिर ऐसे खड़ा हो जाता, लक्ष्य की तरफ पूर्ण ध्यान रखते हुए गुरु जी का ऐसा विशेष, तो इतना विचित्र, मेरा ख्याल से पेड़ को भी अगर ऐसा किया जाए तो पेड़ भी बोल दे भाई मैं अब थक गया, मैं हार गया, मैं सूख रहा हूँ, इसलिए तरूर अपनी सहिष्णुता, और देखिए खुद तो मान की इच्छा है ही नहीं कहीं भी, वो तो आपने देखा गुरु भाइयों गुरुवर्गों को कैसे समझे, और मान दिन यहाँ तक कि जो लोगों ने, मैं ये नहीं कहूँगा उन्होंने जानबूझ के किया, ये जो लोग उनके ऊपर ब्लेम करते हैं या बोलते हैं कि उन्होंने जानबूझ के गुरु जी को ऐसा खिलाया, महामूर्ख हैं वो, लेकिन उन महामूर्खों से भी महामूर्ख वो हैं जिन्होंने बुद्धि का प्रयोग ही नहीं किया, लगातार ये किया, महामूर्खता कह सकता, अज्ञानता की चरम सीमा कह सकता, लेकिन जानबूझ करके कोई गुरु जी से, कोई जीव, कोई भी जीव जानबूझ के उनसे द्वेष कर ही नहीं सकता, जान के भी समझ के भी अनजाने में भी कर ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा व्यक्तित्व है वो, इसलिए मैं उनको मूर्ख बोलता हूँ जो लोग ब्लेम करते नहीं जी जानबूझ के गुरु जी को ऐसा खिलाया, अरे मूर्खो, उनकी महामूर्खता है कि गुरु जी उसमें संतुष्ट हैं तो बस सुख है, गुरु जी को अच्छा लग रहा खाना बढ़िया है चलो, अरे भाई कुछ तो मनुष्य शरीर धारण किया, कुछ तो वैरायटी चेंज करके देखो, और उसके बाद 2010 से लगभग 2013 तक गुरु जी को बहुत अलग अलग वैरायटीज खिलाना शुरू हुआ, कुछ नहीं हुआ गुरु जी का शरीर स्वस्थ रहा, सब तरह के जी भाजे हल्के हल्के बना के नरम नरम जैसा था चावल वगैरह सब कुछ किया, तो कहने का अभिप्राय गुरु जी की सहनशीलता, गुरु जी का अच्छा, जिन्होंने
ये सेवा जो कर रहे थे उनको गुरुजी ने मान सम्मान बहुत दिया। ऐसा लगता था कि यही गुरुजी के वास्तविकता में क्या बोलते हैं शुभ चिंतक हैं, या गुरुजी के प्यार देने से सम्मान देने से ऐसा लगता था कि गुरुजी इनको अपने आप को दे चुके, मतलब ये गुरुजी जो है इनकी प्रॉपर्टी है, ऐसा फील होने लगा था सबको। वो हल्का फुल्का खिलाने के कारण ऐसा गुरुजी बिक गए उनके पास में, नहीं गुरुजी का स्वभाव ही ऐसा, जो सेवा थोड़ा सा किया गुरुजी कहते, गुरुजी का अपने शब्द है, गुरुजी कहते राधा रानी का भाव क्या है, श्रीमती राधा रानी देखता है कि जितना सेवा कृष्ण का है वो सब हमारा सेवा, हमारा करनी है, सारा सेवा जो है कृष्ण का हमारा करनी है, कोई गोपी कोई सेविका थोड़ा सा कुछ कर देती राधा रानी एकदम हम उसको क्या दे दे, उसका ऋणी हो जाते हैं, हम उसको क्या दे, उस भाव में भावित। गुरुजी की सेवा में बहुत सी चिंताओं को दूर करने वाले जो भी ग्रुप था, आज मैं उनकी अलग तरह से महिमा बोल रहा हूँ क्योंकि गुरुजी उनको उस दृष्टि से देख रहे थे, ये शायद दृष्टि किसी के ना हो। गुरुजी ने क्या देखा कि हमको अब लिखना नहीं पड़ता, सब लिखने वाला एक आ गया सेवा, कैश को हमको देखना नहीं पड़ता, वो कैश संभालने वाला एक आ गया, चलो अभी वो जो कोर्ट केस है मतलब अकाउंट सबमिट करना है उसका सारा मठों का जिम्मेवारी है, वो एक आ गया वो कर रहा है, चलो। मतलब गुरुजी सब सेवाओं को करने वालों के प्रति कैसे हो गए कृतज्ञ, ये हमारा गुरुजी का सेवा कर रहा है, लेकिन वो सेवा कर रहे हैं, सेवा के भीतर गुरुजी को प्रसन्नता कर प्रसन्न कर रहे हैं, ये गुरुजी का स्वभाव है। ऐसा नहीं कि वो सेवा कर रहे हैं और गुरुजी प्रसन्न हो रहे हैं, वो सेवा है या नहीं है ये तो अपना बुद्धि से प्रयोग सोचना चाहिए। गुरुजी तो सेवा देख रहे हैं कि वो सेवा है, तो कहते हैं अगर क्वेश्चन कर सकते हैं, गुरुजी जब देख रहे हैं तो तुम क्यों ना देख पा रहे, हमारा दोष दर्शन है इसलिए हम नहीं देख पा रहे, वो अदोष दर्शी है इसलिए वो देख रहे हैं, और बोलो क्या बोलोगे बात को। तो कहने का अभिप्राय गुरु जी तो उन जीवों के प्रति ऋणी हो जाते हैं, जो जीव केवल मात्र भगवान की सेवा में किसी भी दृष्टि से आए, जैसे मैंने बतलाया था शुरू शुरू में पत्तल को ही ले लियो, पत्ता वो जो खाने वाला पत्ता है, वो पत्ता भगवत सेवा में लगा है इसलिए ये भी सेवनीय है, ये भी नष्ट करने वाला नहीं, पर वहाँ तक जो सोच सकते हैं, तो हम अखाद्य पदार्थ जिसको कोई स्वीकार ही ना करे, जो कोई अपने पास ही ना रखे हमें बैठाए ना, ऐसे व्यक्तियों की सेवा को लेकर गुरु जी अपने आप ये भाव में भाव, तुम वो हमारा बहुत सेवा किया, हमारा बहुत सेवा, उसको कुछ मत बोलो, बोलेंगे ये चीज। परंतु ये देखना चाहिए कि गुरु जी का भाव वो राधा रानी का भाव है, गुरु जी का भाव भगवान की वो माया का भाव है, परंतु ये भाव क्या उचित अनुचित है, जो बुद्धि उचित अनुचित देख सकती है उसको ये जरूर देखना चाहिए। वंशाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां